नेक्स्ट फिर से कनेक्टेड मोशन है, कनेक्टेड मोशन ओवर हॉरिजॉन्टल सरफेस, हॉरिजॉन्टल सरफेस पर कनेक्टेड मोशन है। ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, फ्रिक्शन लेस है ये। फ्रिक्शन लेस का मतलब एकदम चिकनी स्मूथ। ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, सपोज मेज है आपकी या कुछ और चीज, और इससे आपने एक पुली लगा दी, इससे आपने एक पुली फिक्स कर दी इसमें। यहां आपने ये पुली फिक्स कर दी, ठीक है। इसके बाद आपने क्या काम किया, आपने एक डोरी ली, इस डोरी को पास कराया पुली के ऊपर और फिर ये नीचे आ गई। एक मास इसमें आपने यहां लटका दिया M1 और दूसरा मास इसमें आपने यहां बांध दिया M2। ये M2 मास है और ये M1 मास है, ठीक है। टेबल से मिला हुआ रखा है, टेबल के ऊपर हवा में नहीं, करेक्ट। अब फिर से इस पर आप कंसीडर कीजिए, दो फोर्सेस यहां लग रही हैं, एक M1G वर्टिकली डाउनवर्ड्स, तो दूसरी फोर्स क्या लग रही है, वर्टिकली अपवर्ड्स लग रही है, टेंशन, ठीक है। और यहां आपका ये टेंशन है। अब इसमें जो वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स लग रही है उसे हम कंसीडर नहीं करेंगे, इस पर भी फोर्स लग रही है वर्टिकली डाउनवर्ड M2G, लेकिन मोशन हमारा हॉरिजॉन्टल है। अगर मोशन इसका होता ऐसे या ऐसे, वर्टिकली डाउनवर्ड होता या वर्टिकली अपवर्ड होता, तब हम वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स को कंसिडर करते, लेकिन इसका मोशन हॉरिजॉन्टल है। अब ये क्योंकि मोशन है, ये ऊपर फ्रिक्शन लेस है, तो ये पूरा का पूरा सिस्टम आपका एक्सिलरेशन ए से मूव कर रहा है। M1 गिर रहा है एक्सिलरेशन ए से और M2 आगे बढ़ रहा है एक्सिलरेशन ए से। M1 गिर रहा है नीचे की तरफ एक्सिलरेशन ए से और ये बढ़ रहा है आगे। तो नेट फोर्स ऑन M1 ये कर लूं या नीचे करता हूं, नेट फोर्स ऑन M1 कितना हुआ, -M1A, नहीं +M1A, क्योंकि नीचे वर्टिकली डाउनवर्ड वाले को हम प्लस ले रहे हैं अब तक, M1A। और ये नेट फोर्स किस किस का रिजल्ट है, ये नेट फोर्स रिजल्ट है दो का, वर्टिकली अपवर्ड वाली फोर्स, वर्टिकली डाउनवर्ड वाली फोर्स। इसे डाउनवर्ड वाली फोर्स को +M1G लिखेंगे, वर्टिकली अपवर्ड वाली फोर्स को हम टी लिखेंगे, ठीक है। इसमें भी टी दूसरी तरफ पहुंचा दीजिए, T = क्या बना, -M1A, ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद इसे हम कंसीडर करें, यहां तो केवल एक ही मोशन है, टेंशन है, और टेंशन ही ये जो टेंशन टी ही इसे खींचकर अपनी तरफ लेकर जा रहा है, और कोई यहां पर फोर्स है ही नहीं, तो टेंशन टी ही है जो इसे एक्सिलरेशन प्रोवाइड कर रही है M2A, टेंशन ही है जो एक्सिलरेशन प्रोवाइड कर रही है M2A, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। फिर से वही कर लीजिए, इक्वेशन 1 में से 2 सबट्रैक्ट कर दीजिए या 2 में से 1 सबट्रैक्ट कर दीजिए। तो मैं लिख रहा हूं क्या, सबट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 लिखा मैंने M1G - M1A = T, और ये क्या बना आपका M2A = T, ठीक है। ये प्लस हुआ, ये माइनस हुआ, ये कैंसिल हो गया, यहाँ बचा आपका 0। और इधर से क्या बचता है, इधर से बचता है आपके पास M1G और माइनस का, एक मिनट उल्टा कर दिया मैंने, ये M2A तो पहली पॉजिटिव है, ये तो निगेटिव बन जाना, माइनस का M1A माइनस का M2A, करेक्ट। M1G को मैं दूसरी साइड पहुंचा दूं, तो M1A माइनस
एम टू ए इज इक्वल टू माइनस एम वन जी। यहां से मैंने ए कॉमन ले लिया, निगेटिव तो सारे खत्म हो गए, एम वन प्लस एम टू और इज इक्वल टू क्या बचा एम वन जी। अब अपॉन में ले लीजिए, ए इज इक्वल टू एम वन डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू इंटू जी। और यहां से भी आपको देखिए पता लगेगा कि एक्सेलरेशन ए की वैल्यू जी से कम है, क्योंकि न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है। न्यूमरेटर में केवल एम वन है, डिनोमिनेटर में एम वन प्लस एम टू, तो फिर ए की वैल्यू जी से कम है। अब यही इस एक्सेलरेशन से ही फाइंड करेंगे टेंशन, तो टेंशन फाइंड करने का यहाँ तो और भी आसान तरीका है। सेकेंड इक्वेशन में एक्सेलरेशन की आप वैल्यू रख दीजिए, सेकेंड इक्वेशन में ये रही टी है, यहाँ सेकेंड इक्वेशन है टी इज इक्वल्स टू एम टू ए, तो यहां से एम टू रख करके, हाँ जी, तो टी इज इक्वल्स टू एम टू ए, ए की वैल्यू उठा करके ये पूरी की पूरी रख लीजिए आप, ए की वैल्यू उठा करके पूरी रख लीजिए, ये कितना रहा एम वन अपॉन एम वन प्लस एम टू इंटू जी, और पूरा आपका फॉर्मूला बना एम वन एम टू अपॉन एम वन प्लस एम टू इंटू जी। ये आपका आ गया टेंशन की इक्वेशन, और ये वाली आपकी आ गई है ये किसकी इक्वेशन, एक्सेलरेशन की इक्वेशन। सिंपल है मेरे ख्याल से, पहले वाले से भी ज्यादा सिंपल है। जल्दी से दो दो एक मिनट बचे हैं, जल्दी से इसे रिवाइज कर लें एक बार। कैसे देखिए, एक ही हॉरिजॉन्टल सरफेस है, फ्रिक्शन लेस है, स्मूथ सरफेस है। इसके सरफेस के किनारे पर आपने लगा दी एक पुली, पुली के ऊपर से एक रोप पास करी, रोप आपने यहाँ से पास की, रोप के एक खुले सिरे पर आपने लटका दिया मास m1, दूसरे खुले सिरे पर लगा दिया मास कितना m2, ठीक है। m1 अपने वेट के कारण नीचे गिरेगा एक्सेलरेशन a से, तो m1 पर दो फोर्स काम कर रही है, वर्टिकली डाउनवर्ड्स m1g और वर्टिकली अपवर्ड्स टेंशन t, और सारा मिलकर के क्या बनाइए m1g पॉजिटिव में लूंगा, टेंशन माइनस में लूंगा क्योंकि अपवर्ड्स है, और नेट फोर्स एम वन ए ये भी डाउनवर्ड है, तो इसको भी हमने क्या लिया, इसको भी पॉजिटिव में ही लिया है, ठीक है। उसके बाद एम वन जी माइनस एम वन ए जी का स्टूटी हो गया, फॉर्मूला बन गया, इक्वेशन वन बन गई। इक्वेशन टू के लिए केवल केवल टेंशन है जो इसे पूरा का पूरा फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, तो टेंशन ही इस पर लगने वाली फोर्स है। टेंशन कितनी है, टेंशन है टी, और फोर्स कितनी लग रही है एम टू ए। दो इक्वेशन बनी, दोनों को मैंने सबट्रैक्ट कर दिया, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई है, और उसके बाद में ये टेंशन इक्वल्स एम टू ए हमारी इक्वेशन नंबर टू थी, तो यहाँ एक्सेलरेशन की वैल्यू रख दी, टेंशन आपकी आ गई एम वन एम टू अपॉन एम वन प्लस एम टू इंटू जी। टेंशन का, टेंशन की यूनिट न्यूटन होती है, और एक्सेलरेशन की यूनिट कितनी, वही मीटर पर स्क्वायर सेकेंड, ठीक है। अब अगली क्लास कल करेंगे, क्लियर हो इतनी बात, नेक्स्ट क्लास होगी अब आपकी, yes, कल सैटरडे है, कल क्लास होगी आपकी।